हेलो गाइस, यार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं पार्ट टू लेके आया हूँ वर्क बैंड नाम के ऐप का। तो आज हम इसमें देखेंगे ड्रम पैड और ड्रम मशीन के फंक्शन। तो चलिए हम चलते हैं ड्रम पैड में। तो ये है हमारा ड्रम पैड और ड्रम। तो आप पहले इंस्टॉल करोगे ऐप तो आपको पहले ऐसा मिलेगा। इसमें आप क्लिक करते हो तो प्रैक्टिस के लिए ये बजने लगता है और आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये ऑप्शन, और फिर इसमें आप तो इसमें एक ट्यून बजने लगेगा, ऐसे एक ट्यून इसमें बजने लगेगा। फिर इसके बाजू में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि वीडियो ऑडियो आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए मिल जाता है। और इसमें एक तीसरा भी ऑप्शन सेव करंट ऑटो प्ले पैटर्न, इसको भी आप सेव कर सकते हो। फिर इसके बाजू में आपको मिलता है कि आपको ड्रम बजाना है कि पेड़ बजाना है। तो आपको जो भी पसंद आए हो आप इसमें बजा सकते हो। तो हमने फिलहाल अभी पेड़ बजा रहे हैं। तो इसमें आपको इधर से चूज़ करना है कि आपको कैसा बजाना है। इसमें आपको फिर से 5 फंक्शन मिलते हैं, तो इसमें से आप कोई भी चूज़ करके अपना पेड़ बजा सकते हैं। और इसमें आपका जो सेटिंग करना होता है सेटिंग है, तो आप इसमें से सेटिंग अपना कर सकते हो, जैसा आपको बजाना हो वैसा आप सेटिंग कर सकते हो, फिर आपको इसको बजा सकते हो। फिर अब हम देखेंगे कि ड्रम मशीन के फंक्शन कैसे है। तो चलिए हम चलते हैं ड्रम मशीन में। तो ये हमारा ड्रम मशीन है। इसमें आपको पहला फंक्शन जो हमने देखा वैसा ही है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है पहला फंक्शन है। इसको प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे अपने आप हो जाते हैं। तो इसमें से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। और इधर आप देखो, इधर नीचे क्लिक करोगे फिर इसको सेव भी आप कर सकते हो। अपने फ़ोन में आप सेव कर लो, रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव हो जाएगा अपने फाइल में। तो आप इसको भी सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में आप बजा के। फिर आपको इसमें सब इस तरफ साइड में फंक्शन के ड्रम वगैरह इस साइड में दिख रहे हैं आपको इधर। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको ये छोटे छोटे पैटर्न है, इसमें आपको जैसा बजाना हो वैसा आप क्लिक कर दो उसमें। इसे देखो, ये इसके 5 फंक्शन है जिसको जैसा आपको बजाना हो ऐसा आप इसमें से पसंद कर सकते हो। फिर ये आपका सेटिंग है, जिस जैसा आपको सेटिंग चाहिए वैसा सेटिंग आप इसमें कर सकते हो। फिर ये छोटे छोटे पैटर्न में आप क्लिक करो, फिर इधर नीचे एक बटन है उसमें आप क्लिक करोगे तो ये कलर कलर के बटन आ जाएंगे। फिर इसे आप नीचे क्लिक करोगे तो ये अपने आप बजने लगेगा।